हेलो भाई लो, आज हम मिले हैं अपने नए सब्सक्राइबर से और ये न्यूजीलैंड में है। कैसे जानते हो मेरे को आप? YouTube पे चैनल पे आपको वीडियोस देखता हूँ ना यार, रोज मेरे देखते हो वीडियो? हाँ, बढ़िया बढ़िया देखते हो? बढ़िया वीडियो देखता हूँ, सारे वीडियो देखे हैं मैंने। अच्छा, आप यहाँ पर कैसे आए वैसे? मैं वर्क वीजा पे आया हूँ, एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर में। कब आए थे? अभी एक हफ्ता ही हुआ है मेरे को। अभी एक हफ्ता हुआ है? मैं तो सीधा सीधा वीडियो चालू कर लिया, इसलिए मैं तो बता रहा हूँ एक हफ्ता हुआ है। एक ही हफ्ता हुआ है यार मेरे को। मेरे इससे पहले वीडियो देखे थे आप? हाँ, मैंने देखे वीडियो आपके, इंडिया से बहुत वीडियो देखे हैं। इंडिया से देखे आपने? हाँ, बहुत देखे हैं। तो तुम्हें मालूम है मेरा घर यहाँ पर है साइड में? मालूम नहीं है, लेकिन क्राइस्ट चर्च में हो आप वो मेरे को मालूम था। अच्छा, और मैं भी क्राइस्ट चर्च में आने वाला था, इसलिए मैंने वीडियो वीडियोस देखे। आपका नाम क्या है? जयदीप मेरा नाम है। जयदीप आपका नाम है? यस। तो आपने अप्लाई किया, जैसे कि इंडिया से अप्लाई किया, तो कैसे अप्लाई किया इंडिया से? मेरा एक्चुअली यहाँ पे एक पहचान में है, जो जिसका कंपनी है उसने मुझे स्पॉन्सर किया। कौन सी कंपनी आपकी? वैसे मतलब कंपनी का नाम मत बताना। हाँ, वैसे मतलब जो कार, कार डिटेलिंग में है। कार डिटेलिंग में? यस यस यस। तो आपने कोई पैसे वगैरह दिए एजेंट को? नहीं नहीं, पैसे वैसे नहीं दिए ज्यादा, सीधा मतलब डायरेक्टली आया यहाँ पर। फैमिली मेंबर था यहाँ पर? फैमिली मेंबर नहीं है, लेकिन पहचान में है, तो थोड़ा बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो हम कवर कर लेंगे बाद में। अच्छा, वो तो है, मगर यही है कि मैं तुमको एक बात बोलना चाहूंगा। वो मतलब क्या है? हाँ, मैं यही बोलना चाहूंगा। हाँ, बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई न्यूजीलैंड में आना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मगर यहाँ पर आना थोड़ा सा ना इजी है, इजी एक हिसाब से। हाँ, मगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो? हाँ, ऑनलाइन आपने अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोग बहुत सोचते हैं ना कि भाई हम एजेंट के थ्रू जाएंगे। एजेंट बस बहुत ज्यादा पैसा ले लेते हैं, मालूम है? लेते या नहीं लेते? मैंने तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि भाई फ्रॉड एजेंट, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं और मेरे हिसाब से तो बहुत होते हैं। और अभी अभी ये एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर का जो वीजा कैटेगरी ओपन हुआ है वो बहुत बढ़िया है, इसमें जल्दी जल्दी आ जाओ, ये कभी भी बंद हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा जल्दी में जिसको भी एप्लीकेशन करना है वो उसको बोलो कि कर दे। अभी मतलब क्या प्रोसेस हो रहा है? मतलब आपको कंपनी इसमें अप्लाई करना है, जॉब ऑफर मिल जाए तो ऑफर लेटर सीधा इमिग्रेशन लॉयर को दे दो, तो वो वीजा अप्लाई कर देगा अपना। अच्छा, वो ऑफर लेटर मेन है अभी तो? ऑफर लेटर मेन है। अच्छा, ऑफर लेटर चाहिए बस? ऑफर लेटर चाहिए। हाँ, ऑफर लेटर अगर आपके पास है तो आपको वीजा। वैसे वो तो सारी चीजें मैंने इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू किया बहुत सारे लोगों का। हाँ, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसी वेबसाइट बताओ लोगों को कि भाई वहाँ पर जो मिल सकती है वो एक बार मेरे को बता दो, इस वीडियो बता दो बस। वैसे मैं तो थोड़ा पहचान था इसलिए मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया था उसके थ्रू, लेकिन वैसे अभी मैं यहाँ पे मेरी वाइफ के लिए सीक वगैरह पे, ट्रेडमी वगैरह पे जॉब अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, जो मैंने मतलब अपने चैनल पे बताया, ऑलरेडी बता दिया है आपने। हाँ, जब से मेरा डिसाइड हुआ कि मेरे को क्राइस्टचर्च जाना है। हाँ, तो मैंने आपका एक वीडियो देखा था कि आप क्राइस्टचर्च में रहते हो। हाँ, तो फिर वो मैंने आपके फॉलो करने चालू किया, फिर आपका बहुत सारा वीडियोस देखे कि क्राइस्टचर्च में कैसे है, ग्रोसरी कैसा मिलता है, क्या खर्चा कितना है, रेंट कितना है, फिर वो अपना ये गाड़ी वाड़ी कैसे है मिलता है, ये सब मैंने। वो तो ठीक है, वो तो सारी चीजें ठीक है, मगर जो मैंने बोला वो सच है? हाँ, सच है। सच है जो मैंने अपनी वीडियो में बताया, वो लोगों को मतलब गलत तो नहीं बताया कुछ? नहीं नहीं, वैसे तो कुछ गलत नहीं बताया। कुछ नहीं है भाई, जेन्युइन बंदा है। आप इसका मतलब इनके वीडियोस देखो, अगर आपको न्यूजीलैंड आना है तो बहुत सारा नॉलेज मिलेगा आपको ऑनलाइन। और इनको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, इनके सारे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं, आप शेयर करो तो अपने भाई लोग को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। वो तो है, सही है ना? मगर मैं एक बात बोलूँ तुमको, रियलिटी क्या है मालूम है? रियलिटी यही है कि बहुत लोग पता क्या सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि न्यूजीलैंड आना इजी है। इजी कैसे है मालूम है? वो बंदे क्या करते हैं, 12th पास आउट कर लेते हैं। पास आउट करने के बाद तो क्या करते हैं? सीधा अप्लाई कर देते हैं, जॉब नहीं है कुछ नहीं है, अप्लाई कर देंगे सीधा, वीजा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? मिल सकता है? नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो जो मैं सोचता हूँ। हाँ, फील्ड का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इससे पहले कितना एक्सपीरियंस लिया आपने? मेरे तो 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरी फील्ड में, सेल्स एंड मार्केटिंग में। 8 साल? हाँ, 8 साल के बाद आप यहाँ पर आए? सिर्फ अभी हफ्ता ही हुआ है। ये भाई मेरे साथ हैं और इन्होंने 8 साल यहाँ पर मतलब इंडिया में काम किया हुआ है, 8 साल इंडिया में काम किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ही पहुंचे हैं। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पर भी वर्क वीजा में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रोसेस नहीं होता? मतलब जब आप यहाँ पर आए न्यूजीलैंड में कि मतलब किस तरीके से आए, किस तरीके से नहीं आए? मतलब मैंने वही बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो ये कार डिटेलिंग की कंपनी है मेरे दोस्त की, अच्छा, तो उसको मैंने कॉन्टेक्ट किया। हाँ, फिर मैंने तो थोड़ा बहुत वहाँ पे ट्रेनिंग किया, फिर
अप्लाई किया, फिर उसने मुझे ऑफर लेटर भेजा, फिर मैंने इमिग्रेशन लॉयर के पास अपना वीजा करवाया, फिर भी मेरा वीजा आया और फिर मैंने टिकट करा के यहाँ पे हाथ मिला। चलो जाकी भाई बहुत बढ़िया। अभी हम कहते हैं यार मेरा नॉर्थलैंड मॉल में जा रहे हैं। हाँ। अभी मैं तुमको इस नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है, मतलब मार्केट का प्राइस वगैरह दिखाऊंगा, ठीक है, और मार्केट का नॉर्थलैंड में क्या प्राइस चल रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या चल रहा है, वो सारी चीज दिखाऊंगा। और जयदीप भाई से बहुत बढ़िया मजा आ गया। और एक बात बोलूं तुमको, जो यहाँ पर जो घर देख रहे हो ना, ये वाला लेफ्ट वाला मेरा ही घर है। कौन सा वाला? ये जो यहाँ से अंदर जाओगे वो वाला लेफ्ट वाला मेरा घर है। और वही वाले घर पे हम मिलेंगे तुमको, ठीक है, पक्का मिलेंगे, ठीक है। और भाई ये देख लो, और मुझे थोड़ा 2-3 महीना हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको फिर से एक रिव्यू दूंगा कि फिर यहाँ पे कैसा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भाई बहुत बढ़िया, घर में तो मिलते हैं, घर पे आएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, पीते हैं थोड़ा। चलो अब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो। वासु भाई के चैनल को भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी भेजो। और अगर न्यूजीलैंड आना चाहते हो तो इसमें कमेंट में लिखोगे कैसे क्या प्रोसीजर होता है, तो वासु भाई बता देंगे आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। तुमसे मिलूंगा मैं पक्का। मुझे नंबर तो दीजिए आपका। नंबर भाई मैं तो पक्का देता हूँ तुमको, नंबर अभी देता हूँ। भाई भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, वैसे तुम भी आओगे कभी तो मिल लेना मेरे से, है ना, अच्छा लगता है यार वैसे मिलती हो तो तुम सब लोग, है ना। तो वही है, और भी मैं सोने जा रहा हूँ, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और कोई क्वेश्चन होगा तो इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर लेना जाके भी, है ना, और इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, तुम्हारा भाई रिप्लाई देने जरूर आएगा, रिप्लाई दूंगा सबका। और वैसे सबका दे नहीं पाता मगर जिन जिन का मैं देता हूँ, जिन मेरे पास जितना टाइम होता है उन सबका मैं रिप्लाई करता हूँ जरूर। तो आपको मेरे को इंस्टाग्राम में ही फॉलो कर लेना है, और यहाँ पर आईडी आ रही होगी नीचे, आईडी में जाओ और फॉलो करो। और आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, और भाई हैप्पी दिवाली है सबको, दिए जलाओ, पोल्यूशन मत फैलाओ, और बम पटाखे थोड़े कम फोड़ो। मैं भी यहाँ तो फोड़ नहीं रहा पटाखे वगैरह, दिए वगैरह जरूर जलाएंगे न्यूजीलैंड में हम। और सबको भाई हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, और जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक करना मत भूलना, बाय बाय। इससे पहले वाली वीडियो भी देख लेना, स्क्रीन में आ रही है वाली भी देख लेना, और बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।